किसी भी शहर की मजबूत आधारशिला उसके विकास के मॉडल पर आधारित होती है, जिसमें शहरी नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े प्रबंध, स्वच्छता एवं निर्माण कार्यों को संलग्न कर एक शहर की नींव रखी जाती है। विकास के इसी बुनियादी ढांचे को सोच में रखते हुए आगरा नगर निगम ने आगरा शहर के नागरिकों की हर असुविधा का निस्तारण किया, फिर चाहे वो नागरिकों की सुविधा और शहरी सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देते हुए शहर में हर मुख्य स्थान पर सुनियोजित ढंग से वर्टिकल गार्डन्स की स्थापना हो, मार्ग की दीवारों पर प्रेरक व हमारी संस्कृति को दर्शाती कलाकृतियां व मनोहर पौधारोपण कर फुटपाथ निर्माण कार्य हो, जिसका उपयोग नागरिक हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं, चुनिंदा मार्गों पर पौधों का समावेश कर आकर्षक स्ट्रीट लाइटिंग लगाने का कार्य एवं रात्रि में आगरा शहर को रोशन करती हुई उच्चतम प्रकाश व्यवस्था हो। आगरा नगर निगम ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आगरा शहर के पर्यावरण को साफ रखने में विशेष मदद मिलती है। लाखों सैलानियों और स्थानीय नागरिकों के लिए स्मार्ट टॉयलेट्स का निर्माण आगरा नगर निगम की खास उपलब्धियों में से एक है। स्मार्ट खूबियों वाले सेल्फ क्लीनिंग ऑटोमेटिक टॉयलेट्स आरामदायक व सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, जिनके उपयोग से स्वच्छता के साथ साथ जल की बेवजह बर्बादी को रोकने में मदद मिली है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम हमारे शहर के रोड्स करते हैं और यही आम नागरिकों की लाइफलाइन है। इसी गौरतलब आगरा नगर निगम ने लगभग 10 किलोमीटर के फतेहाबाद रोड को स्मार्ट रोड में परिवर्तित किया है, जो सभी सुविधाओं से लैस है। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की दिशा में आगरा नगर निगम द्वारा ताज ईस्ट ड्रेन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे यमुना को दूषित होने से बचाने में मदद मिली है। किसी भी देश, प्रदेश या शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की होती है। इसी के मद्देनजर आगरा नगर निगम द्वारा शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए आगरा शहर के नगर निगम स्कूल्स को अपग्रेड कर क्लासेस को डिजिटल बनाया गया, ताकि बच्चों को बदलते समय के अनुसार आधुनिक शिक्षा मिल सके। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2022 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष पर आगरा नगर निगम ने 75 घंटे में यमुना किनारा क्षेत्र की कायापलट की, जिससे आम नागरिकों में संतुष्टि का भाव साफ साफ देखा जा सकता है। इसके पश्चात आगरा में 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान के अंतर्गत शहर के सभी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को पूर्ण रूप से समाप्त कर उन क्षेत्रों की कायापलट की। आगरा में G20 बैठक होने पर अपने अथक प्रयासों से G20 के अद्वितीय आगरा दौरे को सफल बनाने में आगरा नगर निगम ने सभी कार्यों में अपनी भूमिका पुरजोर निभाई है। CNG वेस्ट प्लांट के माध्यम से आगरा नगर निगम द्वारा शहर भर से लाए गए मलबे से मलबे के प्रकार के अनुरूप पृथक कर अपशिष्ट को CNG वेस्ट प्लांट के द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले पदार्थ बनाने का कार्य भी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के आह्वान में 2023 के स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले नगर निगम द्वारा भव्य रैली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा प्रशासन के साथ साथ आगरा शहर के नागरिकों ने भी भाग लिया। प्रत्येक नागरिक व स्कूली छात्र छात्राओं में देशभक्ति का भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत।